हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरी प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ वेलकम करती हूँ अपने इस व्लॉग में। आज की सुबह के साथ बच्चे जा चुके हैं स्कूल और उसके बाद ये मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में भी, मैं जो पहन के आई थी तो ये मेरे वो देख रहे होंगे। और ये मेरे पास देख रहे हैं आप कुर्ता, और ये कुर्ता मैंने क्यों मंगाया, जैसे कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है तो ऑब्वियस है गिफ्ट वगैरह देने आपको पड़ते हैं। तो ये है बहुत ही प्यारा सुंदर सा सूट जो मैंने मंगवाया ऑर्गेन्जा का, और जैसे मतलब मेरी नंदे हैं उनके लिए, और बड़ी वाली नंद तो हमारी शॉप वगैरह करती है, मार्केटिंग बहुत है उनको, तो जाने आने का पैसे वगैरह का तो सारा रेंज वगैरह उन्हें पता होती है। पर ये मैंने मंगवाया ऑनलाइन, और छोटी वाली दीदी से पूछूंगी कि उनको पसंद आएगा तो वो ले लेंगी, अगर उनको नहीं पसंद आएगा तो रिफंड कर देंगे या अदरवाइज रिप्लेस कर देंगे। बट ये है कुछ इस तरह का सूट, और ये है इसका दुपट्टा, कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। और बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर है वैसे तो, देखिए ये है इसका दुपट्टा और ये है इसका सूट, जैसा देखा था वैसा ही है, पर फिर भी चॉइस उनकी होनी चाहिए। और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शॉपिंग करती रहती हूँ मैं, पहले भी आपने देखा होगा। कैसा लगा आपको ये वाला सूट, आज की शुरुआत कर रही हूँ इससे, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, रेगुलर कंटिन्यू चलते रहिएगा मेरे ब्लॉग में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपनों के साथ रहिए, एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। और आगे देखिएगा थोड़ा सा हॉन टूर दिखाऊंगी जो मैंने चेंजमेंट किया है। चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग में, आ जाइए। चलिए आगे की शुरुआत करते हैं इस सुंदर से प्यारे से बेबी के साथ। तो जो आप ये देख रहे होंगे ये है सावन वाले डे के बाद का व्लॉग है, और सावन के दिन ही इसकी मम्मी एडमिट होने के लिए गई थी और हमारे घर में आया वशिष्ठ फैमिली में एक न्यू मेंबर, वो है इसकी मम्मी और ये है बेटा। हमारे घर में एक नया मेंबर आ चुका है, आपने देखा, और देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी। सावन में चूड़ियों का ज़्यादा क्रेज़ रहता है ग्रीन कलर की, तो मैं ग्रीन कलर की चूड़ी खरीदने के लिए आ गई हूँ और आगे भी आपको दिखाती रहूंगी। सही है। ये पड़ा रखो। वैसे अगर दबा के पहनूंगी ना मेरे सब आ जाएंगे। एक दर्जन निकाल लो, डेढ़ कर दो, नहीं तो डेढ़ रहेंगी तो फिर पहनने में अच्छा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो। तो आज का जो ब्लॉग है, ये सावन का दिन तो चल ही रहे हैं, बहुत अच्छे से जा रहे हैं हमारे भी, तो बस आज मैंने सावन के दिन पहन लिए ये वाली हरी हरी चूड़ियाँ, जिसके यहाँ पर ज्यादा चीजें की चॉइस चलता है। जब हमारा सावन स्टार्ट हो रहा था ना, मैंने स्टार्टिंग का ब्लॉग तो आपको दिखाया था, तो सावन में ना हरी चूड़ियाँ पहनने का रिवाज होता है, और शादीशुदा औरतें हों वो भोले बाबा की पूजा करने के लिए मतलब नई चीजें क्रिएट करती है, तो एक नई पवित्रता के लिए, एक पॉजिटिविटी के लिए ये हरी हरी चूड़ियाँ हमारी सुहागन लेडीज के लिए भी और अनमैरिड लड़कियों के लिए भी, एक हरियाली मतलब मन में एक पॉजिटिविटी के लिए आता है सावन, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है। 5 अगस्त की है। हाँ, तो यही बता रही थी मैं सुबह की मनोकामना, बस यही मांगती हूँ कि मेरी फैमिली में मेरे बच्चे हस्बैंड सभी बहुत ज़्यादा खुश हों, और सारे सब्सक्राइबर की सभी की खुशी मांगती हूँ। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा होने वाला है, और जैसे कि आप सब मेरे इतने सारे ये जो फूड चैलेंज वाला ब्लॉग है उनको सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज का व्यू मेरे घर का इंटीरियर एंड होम डेकोरेशन कुछ चेंजमेंट, तो आइए दिखाते हैं धीरे 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 देखते जाइए। यहाँ हमने कुछ सिटिंग अरेंजमेंट जहाँ पर मेरा पूरा टाइम मेरी फैमिली के साथ जाता है, किचन ऑफिस अभी मैसी इवनिंग टाइम है तो मैंने सोचा अभी देते हैं। आइए नेक्स्ट रूम में आते हैं, यहाँ पर भी मैं मी टाइम यूज करती हूँ जितना भी, मतलब ये सोफा कम बेड दे रखा है, ये मेरा थोड़ा सा मेरे बच्चों से रिलेटेड जो मैंने बना रखा। आइए आगे दिखाते हैं, ये टेन टेन। तो यहाँ पर मैंने यूज ऑफ टाइमिंग निकालती हूँ,
जब मेरे को लगता है ना कि मुझे थोड़ा सा चेंजमेंट करना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा मी टाइम यहाँ पर भी लेती हूँ। और ये मेरे कुछ वीडियोस बनाने के लिए मैंने सेटअप कर रखा है। आइए अब दिखाते हैं, आगे आ जाइए। लुक एट माई ड्रेसिंग एंड दिस इज माई मंदिर। यहाँ पर मैं पूजा करती हूँ जब भी मेरा मन करता है कुछ शांति के लिए। यहाँ पर विंडो वगैरह ओपन कर सकते हैं, पीछे से गेट है ये। वाह, और ये लुक कैसा लगा आपको? ये भी मैंने सिटिंग अरेंजमेंट कर रखी है, उसके बाद आ जाइए। आज आपको मेरा फुल एंड फाइनली, और ये है मेरा सारे ड्रेस कोड साड़ीज जो मैं कलेक्शन, या मेरे बच्चे जो भी डालना चाहते हैं वो सब यहाँ पर, पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड। यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग एडिटिंग करती हूँ सारे। और अब लास्ट रूम रह गया मेरा, और कैसी लगी सारी की सारी वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। ये मेरी सिलाई मशीन है, और यहाँ पर कुछ सेटअप, और ये फाइनली फिर से एक रूम जहां पर ये पूरा का पूरा एक बेड है, वहां पर मेरा और ये सब चीजें। तो चलिए बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वाला ब्लॉग, और कैसी लगी मेरी वीडियोस मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय एवरीवन।